Hello and welcome to 9D Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे वो है 1996 की फ्रेंच फिल्म The Apartment, जिसके डायरेक्टर है जिल्स मिमोनी और इस फिल्म के लीड एक्टर्स है विंसेंट कैसल, रोमेन बोरिंजर और मोनिका बेलुची। फिल्म की शुरुआत होती है पेरिस में रहने वाले मैक्स नाम के एक आदमी से, जो किसी ज्वेलरी शॉप में एक रिंग खरीदने जाता है, जहां उसे तीन अंगूठियां दिखाई जाती है। वो तीनों ही अंगूठियां अलग अलग तरीके की होती है, मगर मैक्स को वो तीनों ही पसंद आती है। ये सीन इस फिल्म की कहानी को एक मिनट में बता देता है। मैक्स एक प्रोफेशनल इंसान है जो अपने काम में बिजी रहता है और इतना खोया रहता है कि उसे और कुछ नहीं दिखता। उसे अपना एक पुराना दोस्त लूशियन मिलता है और इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि मैक्स कुछ सालों पहले न्यूयॉर्क चला गया था और 2 महीने पहले ही पेरिस वापस आया है। मैक्स की शादी होने वाली है म्यूरियल नाम की एक लड़की से, जिसे वो न्यूयॉर्क में मिला था, पर लूशियन मैक्स की शादी की बात पर भरोसा नहीं करता। मैक्स जापान जा रहा है एक बिजनेस ट्रिप पर और लूशियन को कहता है कि वापस आकर उससे बात करेगा। इसके बाद वो एक कैफे में अपने क्लाइंट से मिलने जाता है, जहां म्यूरियल भी आती है। म्यूरियल के आने के बाद मैक्स थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और वहां से एक कॉल करने के लिए बाहर जाता है, जहां एक लड़की पहले से ही फोन पर बात कर रही होती है। उसकी आवाज सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है और उसका पीछा करता है, ये सोचकर कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लीजा है। मैक्स उसका चेहरा नहीं देख पाता, पर उसे एक होटल रूम की चाबी मिलती है। यहां से हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां मैक्स को लीजा पहली बार दिखी थी और उसे देखते ही मैक्स को उससे प्यार हो गया था। मैक्स ने उसका पीछा किया था और उसके अपार्टमेंट के सामने से उसे छिपकर देखा था, पर लीजा ने उसे देख लिया था। यहां से हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहां मैक्स टोक्यो के लिए निकलता है। वो एयरपोर्ट में एंटर तो करता है, पर म्यूरियल की नजर से बचकर अपनी ट्रिप कैंसिल कर पेरिस में ही रुक जाता है। मैक्स ने अब फैसला कर लिया है कि वो अपने खोए हुए प्यार लीजा को ढूंढेगा और उससे बात करेगा। यहां से फिल्म फ्लैशबैक और प्रेजेंट दोनों ट्रैक्स में चलती है और हमें ये पता चलता है कि मैक्स और लीजा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। प्रेजेंट में मैक्स लीजा के होटल रूम में जाता है और वहीं पर सो जाता है। सुबह उठने के बाद वो कुछ क्लूज ढूंढता है लीजा का पता लगाने के लिए। वो होटल में लीजा के लिए एक नोट छोड़ता है और लूशियन से मिलकर उसे ये सब कुछ बताता है। लूशियन उससे कहता है कि लीजा को वो भूल जाए, क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली है, पर मैक्स को ये जानना है कि लीजा ने उसे क्यों छोड़ा। वो जानना चाहता है कि लीजा बिना बताए उससे दूर क्यों चली गई, और होटल में एक एड्रेस मिलने के बाद मैक्स एक फ्यूनरल में पहुंचता है। ये फ्यूनरल एग्नेस नाम की एक औरत का है, जिसके पति का नाम डैनियल है। डैनियल वही आदमी है जिससे लीजा फोन पर बात कर रही थी। लीजा? लीजा? डैनियल का पीछा करते हुए मैक्स को पता चलता है कि उसका और लीजा का अफेयर है, और डैनियल ने ही शायद अपनी वाइफ को मारा है लीजा के साथ रहने के लिए। लीजा ने डैनियल से ब्रेकअप कर लिया है और डैनियल अब उसे ढूंढ रहा है। उस रात मैक्स लूशियन के घर जाता है और तब उसकी बात होती है लूशियन की गर्लफ्रेंड एलिस से, जो कि एक स्टेज एक्टर है। इस फिल्म के सब प्लॉट में एलिस को शेक्सपियर के एक प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम पर परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है। इस फिल्म की स्टोरी बिल्कुल उस प्ले की तरह है, और एक तरह से ये फिल्म भी उस प्ले से इंस्पायर्ड है। दूसरी ओर लीजा को मैक्स का लेटर मिलता है, जिसमें उसने लीजा को मिलने बुलाया था, और अगले दिन मैक्स उसका उस पार्क में इंतजार करता है। पार्क में एक गाना सुनते ही मैक्स को अपना पास्ट याद आता है, जहां उसने लीजा को प्रपोज किया था और हड़बड़ाहट में लीजा वहां से निकल गई थी। लीजा
लीजा ने उससे पार्क में मिलने के लिए कहा था, पर वो कभी वहां आई ही नहीं। मैक्स ने उसे हर जगह ढूंढा, पर उसे पता चला कि लीजा वहां से 2 महीने के लिए चली गई है। लीजा के यूं बिन बताए चले जाने पर मैक्स का दिल टूट गया था। प्रेजेंट में पार्क में मैक्स काफी देर तक लीजा का इंतजार करता है। जब वो नहीं आती तो वो डुप्लीकेट चाबियां लेकर उसके रूम में जाता है जहां कोई नहीं होता। तभी वहां लीजा आती है और उसे देखकर मैक्स क्लोजेट में छिप जाता है। लीजा अचानक रोने लगती है और दूसरे रूम में चली जाती है। जब मैक्स उसके पास जाता है तो देखता है कि वो खिड़की पर बैठी है। ये सोचकर कि वो खुदकुशी करने वाली है, मैक्स चिल्लाता है और वो खिड़की से फिसल जाती है। जब मैक्स उसे बचाता है तब रिवील होता है कि वो मैक्स की एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, कोई और ही लीजा है जो बिल्कुल मैक्स की लीजा की तरह दिखती है। मैक्स उसे सब कुछ बताता है और वो एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। लीजा उसे बताती है डैनियल के बारे में और मैक्स उसे बताता है उसकी लीजा के बारे में। इसके बाद जब मैक्स घर जाने के लिए वहां से निकलता है तो लीजा उसे रोक लेती है, ये कहकर कि वो घर जाने की हालत में नहीं है। मैक्स वहां रुकने के लिए मान जाता है और मैक्स को लीजा के रूम में डैनियल देख लेता है। मैक्स वही कुर्सी पर सो जाता है, पर उसके सोने के बाद लीजा मैक्स के करीब आने की कोशिश करती है। अगले दिन वो सुबह उठता है तो लीजा से उसे पता चलता है कि रात को उन दोनों के बीच कुछ हुआ था, और फिर हमें लीजा के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां उसके सच का पता लगता है। जिस लड़की को मैक्स ने फोन पर बात करते हुए सुना था वो असल में मैक्स की एक्स गर्लफ्रेंड लीजा ही थी। ये लड़की लीजा नहीं, एलिस है, जो लीजा के सामने वाले अपार्टमेंट में रहती थी और लीजा से काफी प्रभावित थी। इस लड़की को हमेशा से मैक्स पसंद था और वो लीजा की ही तरह बनना चाहती थी। धीरे धीरे लीजा और एलिस की दोस्ती होने लगी। वो मैक्स से ऑब्सेस्ड हो गई थी और उसे पाना चाहती थी, और उसे मैक्स को पाने का मौका तब मिलता है जब लीजा को एक टूर पर 2 महीने के लिए जाना पड़ा। लीजा ने एलिस के पास मैक्स के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने मैक्स के लिए एक मैसेज लिखा था, पर एलिस ने मैक्स को कभी वो लेटर दिया ही नहीं। प्रेजेंट में ये रिवील किया जाता है कि एलिस मैक्स के बेस्ट फ्रेंड लुशियन की ही गर्लफ्रेंड है और वो लीजा के साथ अपने अपार्टमेंट में ही रह रही है। एलिस वो हर कोशिश करती है जिससे लीजा और मैक्स एक दूसरे से ना मिले। डैनियल, जिससे लीजा दूर भाग रही थी, एलिस लीजा को उसके पास वापस जाने के लिए कन्विंस कर लेती है। जब लीजा डैनियल को कॉल करने जाती है तब उसके साथ डैनियल की एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है। वहां से रोते हुए जब लीजा निकलती है तब होटल में काम करने वाला एक आदमी उसे वो लेटर देता है जो मैक्स ने उसे दिया था, पर किस्मत के खेल में वो इतनी उलझ जाती है कि मैक्स के पास होकर भी वो उससे मिल नहीं पाती। फाइनली लीजा की बात लुशियन से होती है और वो दोनों एक जगह डिसाइड करते हैं जहां वो दोनों एक दूसरे से मिले, पर एलिस फिर से ये होने से रोक देती है। वो मैक्स को अपने पास रोक लेती है। मैक्स को एलिस के झूठ का पता तब लगता है जब वो उसके लिए हील्स लेकर आता है। वो हील्स एलिस को फिट नहीं आते और तब उसे समझ आता है कि जिस लड़की को उसने देखा था वो सचमुच लीजा ही थी, क्योंकि उसने जो हील्स पहनी थी वो मैक्स ने ही उसे गिफ्ट दी थी। एलिस लीजा को सब कुछ सच बताती है और लुशियन को भी बताने जाती है, पर तभी मैक्स उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि ये लड़की ही लुशियन की एलिस है। वो दोनों एक दूसरे से लुशियन के सामने इनडायरेक्टली आर्ग्यू करते हैं और मैक्स को समझ आता है कि एलिस उससे हमेशा से प्यार करती थी। मैक्स वहां से निकल जाता है और उसके जाने के बाद एलिस लुशियन से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो उसे और धोखा नहीं देना चाहती। एलिस वहां से जाने से पहले लीजा से मिलती है। लीजा लुशियन से मिलने पार्क में जाती है पर लुशियन वहां नहीं आता। वहीं दूसरी ओर लुशियन लीजा से मिलने जाता है इस उम्मीद से कि वो मैक्स और लीजा को एक दूसरे से मिलाने में कामयाब हो जाए, पर इससे पहले कि वो वहां पहुंचता लीजा के पास डैनियल आ जाता है जो रूम में आग लगा देता है और लीजा और डैनियल दोनों उसी आग में जल जाते हैं।
एलिस इमेजिन करती है कि मैक्स उसके पास आ जाता है, मगर रियलिटी में मैक्स म्यूरियल से मिलता है और एलिस उन दोनों को देखकर इमोशनल हो जाती है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। ये कहानी प्यार, ऑब्सेशन और किस्मत के खेल की है, जहां एक इंसान का ऑब्सेशन दूसरे के लिए इस हद तक बढ़ जाता है कि वो प्यार और धोखे के बीच का फर्क भूल जाता है, और इस ट्रेजिक लव स्टोरी को बेहतरीन डायरेक्शन और एडिटिंग के साथ दिखाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।